हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्दर जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम आगे करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो में कुछ डाउट था आप लोगों को, उसे मैं बताना चाहता हूँ कि कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन में डाउट था कि क्या दोनों सेम चीज़ है और ये दोनों हैं क्या। तो आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है गैस टू लिक्विड, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि हमें पता है क्या क्या सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। जब भी कोई गैस से कोई लिक्विड बनेगा, ठीक है, जब उसको हम ठंडा करेंगे किसी भी चीज़ को और गैस से लिक्विड बनेगा तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और लिक्विफैक्शन क्या होता है, तो लिक्विफैक्शन इसे भी हम लिक्विफैक्शन कहते हैं। गैस से लिक्विड को भी हम लिक्विफैक्शन कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड को भी हम लिक्विफैक्शन कहते हैं। मतलब लिक्विड बन रहा है तो उसे हम लिक्विफैक्शन ही कहेंगे। लेकिन कंडेंसेशन क्या होता है, सिर्फ तब होगा जब गैस से लिक्विड बन रहा हो, लेकिन जो हमारा लिक्विफैक्शन होगा वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। तो डाउट ये था कि क्या दोनों सेम हैं। दोनों सेम है कब हैं और दोनों सेम कब नहीं है। तो दोनों सेम तब हैं जब कोई चीज़ गैस से लिक्विड बन रही है, तो हम कंडेंसेशन लिक्विफैक्शन कहते हैं। तब यहाँ पे ये चीज़ सेम है जब कोई चीज़ गैस से लिक्विड बन रहा हो। लेकिन अलग तब है जबकि हम सिर्फ जैसे सॉलिड से लिक्विड हम गए तो इसे हम सिर्फ लिक्विफैक्शन कहेंगे, इसे हम कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कैसे कैसे होता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, जो स्टेट चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड कोई भी चीज़ या लिक्विड से गैस, क्यों हो जाता है। तो टेम्परेचर इफेक्ट में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, टेम्परेचर जब हम उसका बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। वाइब्रेट, समझ रहे हैं ना, वाइब्रेशन। उसके क्या होता है, उसकी एनर्जी जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। और उसके कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसके कारण जो एनर्जी प्रोसेस्ड है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होता है कि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और नया स्टेट ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें दो प्रोसेस पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। अच्छा, मेल्टिंग और फ्यूजन का मतलब पढ़ा था ना हमने पिछले वीडियो में, क्या था कि कोई भी सॉलिड जब क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो वही है ये, जब कोई सॉलिड लिक्विड बन जाएगा किसी टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का ध्यान रखिएगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग जैसा कि नाम से ही साबित हो रहा है कि बॉयल कर रहा होगा, मतलब लिक्विड जो है वो बॉयल करके क्या बन जा रहा है, वेपर बन रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड कहाँ बन रहा है, गैस या फिर वाटर वेपर, ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। याद रखिएगा दोनों को डिफरेंस। अब जो है वो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, हमने ऊपर पढ़ा ये चीज़, एक ही चीज़ होती है दोनों, है ना। तो मेल्टिंग में क्या है, कुछ नहीं है, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है, ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन में या मेल्टिंग में हम करते क्या है, सॉलिड से लिक्विड तो कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। तो इसमें काम क्या है कि कितना हीट चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या है कि हमें कितना हीट चाहिए 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन होता क्या है, तो लिक्विड से गैस, है ना। तो वही चीज तो है, 1 kg लिक्विड को कितना हीट चाहिए ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया और उससे रिलेटेड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, वेपोराइजेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी हमने पढ़ा था 2 factors, पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक था इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, तो वही है लिक्विड का कन्वर्जन गैसेसियस या वेपर फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन, हमेशा क्या होता है, सरफेस चाहिए, सरफेस पे ही होता है।
अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इवापोरेशन इस चैप्टर का, जैसे सब्लिमेशन था जो, या फिर सॉलिड लिक्विड गैस का स्टैटिक्स है वो, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा इवापोरेशन। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवापोरेशन, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे जब हम तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कपड़ा है तो कपड़े को हम फैला के क्यों पसारते हैं सूखने के लिए, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है इवापोरेशन बढ़ जाता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या है वो इवापोरेट होगा, ये तो पता ही है, क्योंकि अगर आप चूल्हे को थोड़ा कम गर्म करें, तेज़ गर्म करें, जल्दी जल्दी पानी खोलने लग जाता है मतलब जल्दी जल्दी इवापोरेशन। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और तीसरा है हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब ह्यूमिडिटी कम और इवापोरेशन ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा कि बरसात के मौसम में होता है उमस जो बन जाती है, देखा है ना हम, आप लोगों ने देखा होगा उमस बन जाती है, क्या होता है उस वक्त कपड़ा कम सूखता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो एयर में जो वाटर का कंटेंट है ना वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इवापोरेशन या फिर कपड़ा जल्दी सूख नहीं पाता, उतना टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता। चौथा हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, भाई जितनी जल्दी जल्दी तेज हवा चलेगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम गर्मी में पसीने पसीने हो जाते हैं, गर्मी लगती है और जब हवा तेज़ चलती है तो हमें क्या है ठंडा ठंडा एहसास आता है ना, एकदम ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ा तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ा। और पांचवा इफेक्ट भी इसी से रिलेटेड है कि इवापोरेशन काउजेज अ कूलिंग इफेक्ट, वही जो हम गर्मी में बाहर से आते हैं फिर हवा चलती है तेज तेज तो एकदम ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि इवापोरेशन का इफेक्ट है, इवापोरेशन काउजेज कूलिंग। तो पांच फैक्टर आप ध्यान रखिएगा एकदम। एक तो अब जो है वो है हमारा कि सब मेजरेबल क्वांटिटीज, पहले एसआई यूनिट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट हैं जो कि हर वक्त आपको काम आएंगे, पूरा एक तरीके से केमिस्ट्री में आपको काम आएगा, याद रखिएगा। टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंथ का क्या होता है मीटर, एम से डिनोट करते हैं। मास का क्या होता है केजी, केजी से डिनोट करते हैं किलोग्राम। वेट, वेट का एक कन्फ्यूजन है इसका याद रखिएगा क्या होता है न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ये भी याद रखिएगा मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर भी कहते हैं इसे हम। डेंसिटी ये भी याद रखिएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है पास्कल। तो ये चार जो एसआई यूनिट है वो याद रखिएगा, वेट का न्यूटन, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब और प्रेशर का पास्कल, ये चारों जो है। तो ये तो थे हमारे एसआई यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है और उसका कन्वर्जन होता है, हमारे पास तीन टाइप के टेम्परेचर होते हैं, केल्विन, फॉरेनहाइट और सेल्सियस। के से केल्विन, एफ से फॉरेनहाइट और सी से सेल्सियस। पहला रिलेशन जो होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, कि 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब और रूम टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा फिर, रूम टेम्परेचर माना क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ क्या हो जाएगा 273 प्लस 25 मतलब 298 के। तो ये याद रखिएगा एक रिलेशन जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 274, 2 डिग्री सेल्सियस 275, है ना, इससे हम पता कर सकते हैं ना। दूसरा जो हमारा रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एवरी कंपटीशनल एग्जाम्स, डैट इज रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। ये रहा रिलेशन, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, 9C इज इक्वल टू 5 इंटू एफ माइनस 32, आपको C दे देगा, F पूछ लेगा, या तो F दे देगा C पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये रिलेशन है। तो एक चीज़ छूट गया है वो है डिफ्यूज़न हमारा, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स का इंटरमिक्स, मैटर का इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूज़न, ठीक है। ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, ठीक है, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल ये रहा एक पार्टिकल ये रहा, जब दोनों मिल जाएंगे तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब एक तरीके से मिलना होता है, ठीक है। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेज बिटवीन द पार्टिकल्स, क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है स्पेस होता है। हमने पढ़ा था जब तीनों का स्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस का, तो हमने पढ़ा था उनके मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और ये मैटर का मतलब फीचर्स में भी है, ठीक है। तो मैटर के बीच में जो होता है स्पेस होता है। अच्छा, सॉलिड में स्पेस ज़्यादा होता है लिक्विड में या गैस में, हाँ सॉलिड में सबसे कम, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा, गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जैसे कि हवा आपको पता ही है, एयर में जो होता है स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, सॉलिड जो है स्पेस बहुत कम होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हम जो देखेंगे तो ये होता क्यों है, क्योंकि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स के कारण होता है, ठीक है। गैस में क्या होगा, सॉलिड में
कम, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में बहुत ही ज़्यादा, स्पेस की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए डिफ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। अच्छा, गैस में क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो जैसे कि परफ्यूम, परफ्यूम कोई भी आप जैसे यहाँ लगा रहे हो या फिर कहीं और लगा रहा है कोई परफ्यूम, तो क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो बहुत दूर तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो गैस है, वो निकल रहा है, वो गैस ही तो है, तो वो दूर दूर तक ट्रेवल कर सकता है क्योंकि उनमें बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा क्या, परफ्यूम। दूसरा है हमारा अगरबत्ती, उसकी धमक भी बहुत दूर तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि स्पेस होता है, और एक जगह आपने अगरबत्ती यहाँ अगर मान लीजिए अगर अपने अगरबत्ती जलाया तो थोड़े दूर तक जहाँ तक वो पार्टिकल्स ट्रेवल कर सकता है एयर में, वहाँ तक हमें सुनाई देता है या फिर धमक आती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था, मिलते हैं, आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी स्कैन। थैंक यू।